तो साल का सबसे बड़ा इवेंट हैमर जैम अपने क्लोजिंग स्टेज में आ चुका है। सिर्फ दो दिन बचे हैं एंड इन लास्ट के दो दिन में आप लोग क्या कर सकते हो, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज जो कि आप लोग अभी कर सकते हो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा अगर आप अभी इस चीज को कर लेते हो, वरना फिर आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। अब इस काफी सारे लोग ऐसे थे जिनका टाउन हॉल 15 ऑलरेडी मैक्सड है, तो उन्होंने तो हैमर जैम में कुछ नहीं कर पाया होगा बिकॉज ऑल अपग्रेड्स कंप्लीटेड। तो अगर आप भी उनमें से एक है भाई तो मैं समझ सकता हूँ आपका दुख दर्द, क्योंकि हमारे साथ भी सेम हुआ। पर हमारे जो दूसरे अकाउंट जो भी मैक्स नहीं है वहां पे हमने काफी कुछ किया है, तो चलिए चलते हैं भाई अपने रश वाले अकाउंट के ऊपर। तो वेलकम, आप देख सकते हो इस वाले अकाउंट में मैं काफी रश हूं। मेरा मेन डिफेंस तो मैक्स था, पर नॉर्मल डिफेंस मेरे विजार्ड टावर से लेकर सारे रश थे। लेकिन इस हैमर जैम के इवेंट में मैंने एक चीज को निपटा दिया है जिसका भाई टेंशन खत्म हो गया है, वो है अपने विजार्ड टावर। विजार्ड टावर फाइनली मेरे TH15 के हिसाब से आएगा, पूरे मैक्स जाएंगे कुछ ही दिनों में सारे। तो ये चीज मैंने हैमर जैम के अंदर पूरी निपटाई है। मेरे पांचों बिल्डर यहाँ पे इस पे बिजी थे पूरे टाइम। तो वेल गाइस, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे हैमर जैम के जो दो दिन बचे हैं, इससे पहले कुछ आप ऐसा कर सकते हो जिसमें लिटरली कुछ भी एफर्ट नहीं लगेगा। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वहां पर आप लोग लिटरली यहाँ पे बस कुछ अपने मैजिक आइटम्स यूज करके हैमर जैम का बेनिफिट और बढ़ा सकते हो। देखो हैमर जैम इवेंट जब एंड हो जाएगा तो सारी चीजों का कॉस्ट जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा 100%। तो उस टाइम पे यहाँ पर अगर आप यूज करोगे यहाँ पे कोई भी मैजिक आइटम तो वो डेफिनेटली यहाँ पे हैमर जैम जितना वर्थ नहीं देगा। हैमर जैम एक तरह से डबल वर्थ दे रहा है बिकॉज 50% ऑफ। बाकी गाइस, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा एक हैमर जैम एंड जरूर हो रहा है, उसके बदले में हमको एक नया हैमर जैम, एक परमानेंट हैमर जैम मिलने वाला है। मतलब हमेशा के लिए कुछ कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो आपको अगर अपने टाउन का जानना है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उस चेक कर सकते हो, आई कार्ड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड चलिए अपने टॉपिक से ना भटकते हुए सीधा बात करते हैं हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो वेल गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पे तुरंत प्लान नहीं कर रहे TH16 में मूव करने का एकदम अपडेट आते ही, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अभी अपने मैजिक आइटम यूज करने का, बिकॉज यहाँ पे 2x वैल्यू देंगे हैमर जैम के अंदर, बाद में ये लिटरली नॉर्मल काम करेंगे। और गाइस, मैंने यहाँ पे फार्मिंग वगैरह ज्यादा की नहीं, तो आप देख ही सकते हो उसका नतीजा मेरी वॉल्स मैक्स नहीं हो पाई। यस भाई, हैमर जैम मेरा काइंड ऑफ वेस्ट हो गया, पर एक चीज का मुझे यहाँ पे खुशी है कि मैंने अपने एक तो विजार्ड टावर निपटा दिए सारे इस हैमर जैम से, और कुछ वॉल्स भी ठीक है मैक्स कर ली। अब चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमारे पास पहले जो लूट है उसको खाली करते हैं भाई, एंड इस लूट से हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत जो वॉल्स के लेवल्स हैं इनको एक दो अपग्रेड कर लेते हैं। जैसे आप हैमर जैम के एंड होने के बाद इस रून को यूज करोगे जो आपके पास अभी आपके मैजिक आइटम इन्वेंट्री के अंदर पड़े हैं, वैसे रून वगैरह मिलते रहते हैं फ्यूचर में, क्लैन गेम वगैरह से मिल ही जाएंगे, तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर आप इनको रखोगे और अगले महीने यूज करोगे, तो मान लेते हैं आप यहां पर एक अपना बड़ा डिफेंस अपग्रेड कर लेते हो एयर डिफेंस, लेकिन अगर आप इसे अभी यूज करते हो आपके पास बिल्डर फ्री हैं, तो आप लिटरली इसी सेम रून ऑफ गोल्ड से दो अपने बड़े डिफेंस अपग्रेड कर लोगे कुछ इस तरीके के। तो डेफिनेटली मतलब इसमें फायदा है, अगर आप सारे अकाउंट्स मिला के देखो, आप हर अकाउंट में अगर ये चीज करते हो तो इसमें फायदा ही फायदा है। अगर आपके पास बिल्डर भी फ्री हैं, आप लूट इकट्ठा कर नहीं पाए, फार्मिंग नहीं कर पाए, तो ये तो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपके पास एक ही बिल्डर फ्री है मेरे जैसे, तो आप लोग वॉल्स के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रून ऑफ गोल्ड यूज किया, रून ऑफ गोल्ड से मैं सारी वॉल्स अपग्रेड करने वाला हूँ बिकॉज मेरा बिल्डर यहाँ पे भी फ्री नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग फिलहाल देखो जितनी भी हमारी ये वॉल्स बची हैं इनको जल्दी जल्दी अपग्रेड कर लेते हैं। लेट्स सी हम लोग आज कितनी इस वीडियो के अंदर वॉल्स अपग्रेड कर पाएंगे, बिकॉज भाई बहुत लूट है। एंड देखो कैसे लूट खत्म हो गई, लिटरली मेरे पास 22 मिलियन लूट आई थी और अभी तुरंत एकदम बिल्कुल तुरंत ही खत्म हो गई भाई, सिर्फ 7 मिलियन बची है। तो आप देख ही सकते हो वॉल्स कैसे यहाँ पर लूट खाती हैं भाई, इसलिए इनका यहाँ पर जो कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन हो रहा है वो बहुत बढ़िया है, पर वो बहुत कम कम हो रहा है, सिर्फ 1-2 मिलियन कम हो रही है लूट। अब सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर रून ऑफ एलिक्सर को भी यूज करने वाले हैं, एंड लिटरली इन दोनों रून से देख सकते हो कितनी कम वॉल्स अपग्रेड हुई है, वो भी हैमर जैम के होने के बाद भी। सोचो अगर गाइज हैमर जैम नहीं होता तो क्या होता, तो लिटरली यहाँ पे मुश्किल से इसकी आधी वॉल्स अपग्रेड होती जो मैंने अभी यहाँ पर कर दी है। तो अगर आप लोग बिजी थे हैमर जैम के टाइम पे, आप लोग अभी हैमर जैम दादा आपको लग नहीं रहा कि आपने यूज कर पाया, तो लास्ट के दिनों में आप ये चीज जरूर कर लेना, अपने जो मैजिक आइटम्स है वो तो आपको बाद में रिफिल करने को मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड वगैरह आते रहते हैं, तो वैसे भी उनको बाद में आप जैसे आप क्या करते हैं कुछ लोग कि भाई जैसे क्लैन गेम का रिवॉर्ड आया फिर खाली करने बैठते हैं जल्दी, भाई नया रिवॉर्ड कलेक्ट करने की जगह करनी है, फिर वो लोग मतलब जबरदस्ती यूज कर लेते हैं। उससे अच्छा हैमर जैम अगर आप यूज करोगे तो आपको डबल वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज सभी चीज 50% ऑफ है। तो आप दो जैसे आप हैमर जैम के बाद अगर रून यूज करते हो, तो आप जो चीज एक अपग्रेड कर रहे हो वो हैमर जैम के अंदर आप दो अपग्रेड कर पाओगे, ये इसका मतलब फायदा है। एंड गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों ने हैमर जैम के अंदर क्या अपनी प्रोग्रेस किया, किस चीज को आपने निपटाया। जैसे मैंने आपको दिखाया मैंने अपने सारे विजार्ड टावर को निपटा दिया, TH13 पे थे ये हैमर जैम के बहुत पहले, और अब TH15 पे आ चुके हैं सारे। तो आपने ऐसा क्या किया भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस, ऐसी सारी चीजों से फ्यूचर में भी अपडेटेड रहने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो से। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले कीप क्लैशिंग, पीस आउट एंड जय हिंद। वेल गाइस, इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ और वीडियोस आपके स्क्रीन पर आपको दिख ही रही होंगी दोनों साइड पे, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार यहाँ पे अपना सेकंड चैनल भी है, तो सेकंड चैनल को भी देख सकते हो एंड वहां पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले कीप क्लैशिंग, पीस आउट, जय हिंद।